नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में चार पटों की गायकी हम मानते हैं। ध्रुपद जो हमारे वेदों से उसकी उत्पत्ति हम मानते हैं, ख्याल, ठुमरी और टप्पा, और इस सभी संगीत को अपने आप में समाहित करता हुआ हवेली संगीत, जिसकी एक बहुत लंबी प्राचीन परिपाटी और परंपरा रही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में और भारतीय शास्त्रीय संगीत की सभी विधाओं में हमारे रचनाकार, जिनको हम वाग्येकार भी कहते हैं, उनकी भी एक लंबी कड़ी और लंबी परंपरा रही है। ख्याल की परंपरा में वाग्येकार हुए सभी प्रमुख घरानों में, और हवेली संगीत जिसकी हम चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे, उसमें तो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है और अनेकानेक वाग्येकार और रचनाकार हवेली संगीत ने दिए। हवेली संगीत श्री वल्लभाचार्य जी के वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग का हवेली संगीत, श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति रस में डूबा हुआ ये संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज की इस विशेष प्रस्तुति और प्रलेखन में हवेली संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं देश के ख्याति प्राप्त बहुत ही मूर्धन्य कलाकार, शीर्षस्थ कलाकार, पद्मभूषण आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज, जो हवेली संगीत में ही नहीं शास्त्रीय संगीत के सभी पटों की गायकी में दक्ष हैं। हवेली संगीत ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी भी है, और शास्त्रीय संगीत की सभी विधाएं, यहां तक कि तराने हैं, संस्कृत में उसमें तराने हैं, और पद इतने सुंदर हैं ठाकुर जी को समर्पित कि आप सुने तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएं। और इस विशेष प्रस्तुति और प्रलेखन में हम आप तक यह हवेली संगीत लेकर आ रहे हैं, और वो भी आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज जी द्वारा ये प्रस्तुति आपके पास आज आ रही है। आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने पिता से ली, वो गोलवर्कर जी के भी शिष्य रहे हैं, और ध्रुपद की गायकी वो गाते हैं, ख्याल की गायकी वो गाते हैं, एक बहुत ही कुशल वो बीनकार हैं, और हवेली संगीत की अनन्य रचनाएं उन्होंने मधुर पिया के नाम से की हैं। आज हवेली संगीत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो रहे हैं, जैसे नंददास जी, कृष्णदास जी, उन सब की कुछ बंदिशें, और उन्हें आपके समक्ष एक सशक्त वाग्येकार के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज की हवेली संगीत की इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि हवेली संगीत अपने आप में कितना परिपूर्ण है और सर्वांग गायकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की इस प्रलेखन में हम सुनते हैं हवेली संगीत के उन वाग्येकारों को जिन्होंने हवेली संगीत की परंपरा को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है और हमारे लिए वो छोड़ गए हैं एक बहुत बड़ी परंपरा, जिसमें हम देखते हैं कि ये बंदिशें, ये रचनाएं किस तरह ठाकुर जी को और उनकी सेवा में, उनके प्रेम में विभोर हैं। धन्यवाद और नमस्कार। मैं आचार्य गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज राग मीरा मल्हार में पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय की रचना ताल तीबरा में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पद रचना पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय के शिष्य नायक धौंधी की
बनाई हुई है और इसी प्रकार की जहां कुछ शब्दों में फेरफार है, कृष्ण जीवन लच्छी राम और परमानंद दास की भी बनाई हुई है, किंतु अभी मैं आपके सामने स्थाई अंतरा संचारी आभोग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे शास्त्रों में द्विपदी कहा गया है और कालांतर में इसे चतुष्पदी भी कहा गया है। यह आक्षिप्तिका है जिसमें स्वर, शास्त्र और शास्त्रीय राग रचना यानी पद्य बंदिश और ताल से यह संबद्ध एवं अनुबद्ध है। तो राग मीरा मल्हार में प्रस्तुत। प्राचीन काल में इसमें कोमल धैवत का प्रयोग भी किया जाता था, तो हम शुद्ध धैवत के साथ कोमल धैवत का प्रयोग भी बताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस राग में कई मिश्रण हैं और इसका जो चलन है कुछ वक्र है, क्योंकि इसका नाम मीरा मल्हार है। मीराबाई का जो प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के साथ वो कैसा था, क्योंकि प्रेम की गति कुटिल है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवे। इसी प्रकार ये राग भी है कि जब वो अही यानी सर्प जब चलता है तो लहर लेते हुए वो चलता है, किंतु जब वो अपने बिल में जाता है तो ऋजुता सीधी गति से जाता है। इसी प्रकार राग में चाहे कोई भी रस हो, विभत्स रस हो, रौद्र रस हो, भयानक रस हो, श्रृंगार आदि तो हैं ही, श्रृंगार हास्य तो हैं ही, भक्ति रस हो, किंतु विभत्स को भी राग अनुरागमय स्वरमय और ईश्वरमय बना देता है। तो मीरा मल्हार प्रस्तुत कर रहा हूं। Yeah.
सोच रहे होंगे कि ध्रुपद की बंदिश है किंतु तान कैसे। देखिए
15 प्रकार के 15 प्रकार का गमका, ये गमक है, परंतु जो वाणी है शुद्धा भिन्ना गौड़ी वेगस्वरा और साधारणी, तो जब ध्रुपद सीधे से गाया जाता है तब तो उसमें ये चार वाणी है, किंतु जब उसमें तान का प्रयोग होता है, लहक का प्रयोग होता है, तो वो साधारणी वाणी से चारों वाणियों का समावेश है। घना
रागमाला और तालमाला मेरे पूर्वज गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज की रची हुई एक बहुत ही विविध रागों में निबद्ध रचना है, जिसमें अक्षोभ अप्रचलित राग हैं। इसमें मल्हार, गौड़ मल्हार, कुछ सोरठ मल्हार का अंश, राग मारू जो बहुत ही प्राचीन और अप्रचलित राग है, अभी कोई नहीं गाता, राग सोरठ, राग मालव, उसके पश्चात काफी, फिर कल्याण। जब श्री कृष्ण राधा झूलते हैं तो उस झूलना में, हिंडोरे में जो गति होती है वो मति एक यति के समान हो जाती है। आपने सुना होगा तालों की यति होती है, जैसे पिपीलिका आदि यति, जिसे आज उर्दू में कहते हैं नीम बट। तो इसमें ध्रुपद में चौताल ताल का उपयोग है, राग मारू में झपताल है। आपने देखा होगा कि छोटा बालक जब उसे आप पैंजनी पहना दें, और माताएं पैंजनी क्यों पहनाती हैं, दो कारणों से पहनाती हैं,
एक तो ये कि घर के काम में व्यस्त रहती हैं, तो भाग दौड़ में कहीं छोटा बालक उस अलसटे में ना आ जाए, इसलिए उसकी रख रखाव और संभाल के लिए पैंजनी पहना देती है, ताकि झुनन झुनन उसकी पैंजनी बाजती रहे और माँ को ये स्मरण बना रहे कि मेरा बालक कहाँ खेल रहा है। इसी प्रकार श्रृंगार रस की भी एक गति होती है। तो व्रज वनिताएं भगवान श्री कृष्ण और राधा को जब हिंडोरा झुलाती हैं, तो हरेक की कामना मनोकामना रस शास्त्र के अनुसार अलग अलग होती है। तो जैसे बालक थिरकता है, आप देखिए कि बालक की जो पदचाप है उसमें एक जैसा सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता। वो जब थिरकता है तो वहां झपताल और ताल चपक की गति उत्पन्न होती है। ये बड़ा गहन शास्त्रीय विषय है और बहुत समय अपेक्षित रखता है, बहुत समय चाहता है। इसे कम समय में इसे डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, यानी इट कांट बी पॉसिबल, ये बात है। तो इसी प्रकार एक श्रृंगार रस की भी थिरकन होती है, उसमें कभी रूठना, कभी छूटना, कभी नखरे, उसकी जो यति है वो यति वही पहचान सकता है कि जो अनुभवी हो। तो भगवान श्री कृष्ण को जब झुला रही हैं, तो उनकी सबकी गति अलग अलग है और सबका राग और अनुराग भी रस शास्त्र की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न है। उदाहरण के तौर पर दूध ले लीजिए, उस दूध की बर्फी भी बनती है, दूध का कलाकंद भी बनता है, दूध की रबड़ी भी बनती है, दूध की बासुंदी भी बनती है, उसका खोपरा पाक भी बनता है, गुलाब जामुन भी बनते हैं और बंगाली मिठाइयां भी बनती हैं। इसके अलावा दूध से दही बनता है। तो जो साइंटिस्ट है या जो बहुत ही बुद्धिजीवी है, वो तो ये सोचेगा कि ठीक है, ये एक लैक्टिक एसिड है। किंतु आप देखिए, लैक्टिक एसिड उसमें भी है कि जो दूध फट जाता है, और एक लैक्टिक एसिड उसमें भी है जो दूध जमाया जाता है। तो यहां बोलते हैं जामन देना, दूध में दही का जामन दे दो। और जामन कितना लगता है? थोड़ा सा, बहुत सारा दही हो उसमें जामन जरा सा दे दो। तो इसी प्रकार रस शास्त्र बड़ा गहन है, उसमें कृष्ण भक्ति के रस का, यानी जो नव रस है उसमें दसवां रस भक्ति भी है, उसका जगजीवन प्रभु के स्नेह का जामन दे दिया। तो सभी भक्त जमे हुए हैं, जैसे मोहनथाल बर्फी जमी हुई होती है, इसी प्रकार सभी जमे हुए हैं। उस प्रकार से इसका, इस राग माला का वर्णन है। और ये माला है कि जैसे वैजयंती माला होती है, उसमें कई प्रकार के पुष्प होते हैं, यहाँ तक कि रत्नमय पुष्प भी होते हैं। तो आपाद मालिनी माला वैजयंती प्रकीर्त्यते, ये शास्त्र का वचन है। तो शिर से लेके नख तक और नख से लेकर शिर तक जो माला है उसे वैजयंती कहा जाता है, जिसमें दिव्य पुष्प है। तो राग, रागिनी, ताल, छंद और रस इतने दिव्य हैं कि जो भक्ति रस से महारस का सागर भर दे।